everyone, welcome back to Maths Days. I'm Ayushi. Now, do you want to know the subjects that I took or I studied when I did my bachelor's in mathematics from Delhi University? If yes, then make sure that you watch the video till the end. Because in this video, I'm going to tell you guys ki maine kya kya subjects choose kiye the during my bachelor's so that aapko thoda bahut help mile. I mean, thoda bahut agar aap relate kar sakte ho mere saath, to aapko thoda bahut हेल्प मिले सब्जेक्ट्स चूज करने में. बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्हीं सब्जेक्ट्स को चूज करने में बहुत कंफ्यूज होते हैं. मैं भी थी अपने टाइम पे. सो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे. अब बैचलर्स मैथ्स में 3 साल की होती है, 6 सेमेस्टर्स होते हैं. अब हर सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कंपल्सरी होते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आप चूज कर सकते हैं. बट उसके लिए भी आपको कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, कुछ चॉइसेस दी जाती हैं कि इन इन में से आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और वो आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे चूज करते हैं. अब कमिंग टू द वेरी फर्स्ट टाइप, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स है उनको हम कहते हैं कोर सब्जेक्ट्स. और जो आपके दूसरे टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो आप खुद से चूज करते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्टिव्स या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स. आई मीन एज द नेम सजेस्ट. ओके, सो हम बात करेंगे इलेक्टिव्स के बारे में, क्योंकि कंपल्सरी तो वही है जो कि सब पढ़ते हैं, मैंने भी वही पढ़े थे. इलेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं. अब पहले जो 4 सेमेस्टर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसमें आपका एक इलेक्टिव होता है, उसको हम कहते हैं जेनरिक इलेक्टिव यानी कि जीई, जिसके बारे में इस चैनल पे बहुत ज्यादा बातें होती हैं. ओके, सो जो पहले 4 सेमेस्टर्स हैं उसमें ना ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बल्कि 4 सेमेस्टर्स में मैंने एक ही जी ली थी, दैट वॉज स्टैटिस्टिक्स. नाउ आई एम फ्रॉम श्री वेंकटेश्वर कॉलेज एंड वेंकी में स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स एक कोर्स है, तो स्टैटिस्टिक्स एक जीई की तरह भी ऑफर होता है. सो मैंने 4 सेमेस्टर्स जीई में स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ा है. ओके, सो दैट इज अ सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट मी एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगता था पर्सनली. सो दैट वाज अबाउट जीई थिंग. अब फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में एक और आपका साइड सब्जेक्ट होता है, बट उसमें आपको चॉइस नहीं मिलती, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे. कमिंग टू थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, इसमें भी कोर के अलावा और जीई के अलावा एक साइड सब्जेक्ट होता है, बट वो कॉलेज देता है. कॉलेज जो पढ़ाते हैं आपको वही वाले सॉफ्टवेयर पढ़ने होते हैं, सो उसमें भी मेरा कोई चॉइस नहीं, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे. सीधा आते हैं 5th सेमेस्टर पे और 6th सेमेस्टर पे. कमिंग टू द 5th सेमेस्टर, इसमें ना अब थर्ड ईयर में आ गया, आपको काफी ज्यादा तक चॉइसेस मिल जाती हैं कि आपको 50% चॉइस मिल रही है. थर्ड ईयर में हर सेमेस्टर में होते हैं 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है. फिफ्थ सेमेस्टर में है मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिनमें से 2 कोर है, 2 वो लोग डिसाइड करेंगे, बाकी 2 है वो इलेक्टिव है, मतलब मैं खुद से चूज कर सकती हूँ. सो उस केस में 5th सेमेस्टर में जो मैंने सब्जेक्ट चूज किए थे, एक था C++ और दूसरा था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. अब C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थोड़ा हटके है, तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट था दोनों में, तो मैंने ये वाले सब्जेक्ट चूज किए थे. कमिंग टू द 6th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर में भी ऐसा ही है, 2 कोर होंगे, 2 इलेक्टिव होंगे. अब 2 कोर जो है वो तो वही है जो सबने पढ़े, मैंने भी वही पढ़े, और जो 2 इलेक्टिव है उसमें मैंने चूज किया था, उसमें मैंने पहला चूज किया था प्रोबेबिलिटी, थोड़ा अप्लाइड मैथ्स है, थोड़ा स्टैट्स रिलेटेड है इसलिए, और दूसरा मैंने चूज किया था लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि LPP. वो 12th वाला LPP बिल्कुल नहीं है, दैट्स टोटली डिफरेंट, सो आप चूज करने से पहले डेफिनेटली वो सोच लेना. सो ये सारे सब्जेक्ट्स थे जो मैंने लिए थे अपने 3 साल के प्रोग्राम में, जीई में और इलेक्टिव में. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो. टिल देन बाय.